إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم امين अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 दिसंबर 2022 को संडे के दिन हमारी ये कुरान क्लास नंबर 136 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है पिछली दफ़ा गुफ्तु कंक्लूड हुई थी सूरह अतौबा की आयत नंबर 31 के ऊपर बहुत क्रिटिकल आयत थी आज इन हम आयत नंबर 32 से ऑनवर्ड अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे आऊदबिल्लामीन शयतजीब उनूर हिम ये लोग चाहते हैं कि अपनी मुंह की फूंकों से बुझा दें अल्लाह के नूर को यहां अल्लाह के नूर से मुराद दीने इस्लाम है यानी एफर्ट पुट कर रहे हैं अपनी वो इस्लाम के आगे बंद बांधने के लिए और मुंह की फूंकों से जाहिर है कि वो इस्लाम के खिलाफ झूठे प्रापे करते हैं वो मुंह से ही होता है मुख्तलिफ़ किस्म के झूठ आम कर देते हैं मिलायन करने के लिए नबील इस्लाम की मुबारक को इस्लाम को कुरान को इल्ला और अल्लाह तला तो इनकी इस एफर्ट का इनकार करता रहेगा यानी इनकी हर कोशिश को मलिया मेट करता रहेगा यहां तक के इस नूर को अपने तमाम तक पहुंचा दे यानी उस एपेक्स तक जो अल्लाह तला ने इरादा किया हुआ है वो क्या है वो आगे आ रहा है वलऊ करी हल क्या फिरून चाहे काफिर इसका बुरा माने अब वो आ गया अरसला रसूल व दीन हक वही अल्लाह है जिसने भेजा अपने रसूल को अलहुदा यानी कुरान के साथ और दीन हक यानी इस्लाम के साथ ही रहूल दीन कुल्ली ताकि तमाम अधियान पर जितने भी झूठे मज़ाहब दुनिया में चल रहे हैं या सच्चे मजाहब थे और उनकी बिगड़ी भी शक्ल चल रही है अल्टीमेटली उसे इस्लाम सुपरसीड कर जाए जो ट्रू रिलीजन है वलव करी हल मुश्रीकून चाहे मुशरक इसका बुरा माने अल्लाह तीन का गलबा फरमाना है किसी हद हाँ तक गलबा तो नबी इस्लाम के मुबारक दौर और खलफा राशिदीन के दौर में हुआ उस वक्त की सुपर पावर्स भी रोमन्स और पर्शियंस गिर गईं कालसिया और यरमू के अंदर अरब की सरजमीन के अंदर तो इस्लाम ने बनफ़ नफीस खुद ये सारा सिस्टम इस्टेब्लिश किया बहरल उस तरह का जो गलबा जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले इस तरह का दौर तो इस्लाम पर कभी भी नहीं आया तो इस आयत के अंदर इशारतन उस आखिरी खिलाफत का भी जिक्र मौजूद है जो इमाम मोहम्मद महदी की होगी किसी हद तक तो गलबा हुआ लेकिन वो वाला गलबा जो पूरी दुनिया को सुपर कर जाए दलाइल की रोशनी में तो नबी इस्लाम ने खुद फरमा दिया आज भी दलाइल में इस्लाम के महकम दलाइल का मुकाबला किसी के पास नहीं है लेकिन वो वाला गलबा जो हुकूमत के अतबार से हो वो आखिरी खिलाफत कायम होगी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी की कुरब क्यामत में उस हवाले से कई एक अदीस मौजूद है इमाम महदी के ऊपर मैंने तफसीली वीडियो मसला वन ट्वेंटी सेवन बी इमाम मोहम्मद महदी से मुतलिक बारह अदीस रिकॉर्ड करवाया उसमें मैंने कुरान की इसी आयत को कोर्ट किया था कि इसके अंदर नबी इलास्म की प्रडिक्शन मौजूद है आपके दीन के मुकम्मल गलबे की और उसको स्पोर्टिव वो हदीस भी है मुसनद अहमद के अंदर जो मिशक़ात में फोर्टी टू नंबर पर है स्टार्ट ही में कि क्यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया के हर घर में मेरा पैगाम ना पहुंच जाए और लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए उस दावत को कबूल ना कर लें यानी वो दावत कबूल कर लेंगे कबूलियत इस एतबार से भी हो सकती है कि सबके सब लोग ईमान ले आए कबूलियत इस एतबार से भी हो सकती है कि कुछ लोग ईमान लें और बाकी लोग जो हैं वो इस्लाम के तहत ज़िंदगी गुजारें बरल बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि ईसा इबन मरियम तुम में उतरेंगे आदिल हुक्मरान की हैसियत से सलीब को तोड़ देंगे खंजीर को कत्ल कर देंगे जिजिया मौकूफ कर देंगे हर तरफ माल की रेल पेल होगी और लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे लेकिन जहरा कि हजरत ईसा इस्लाम कि इस गलबे के बाद द जाल को कत्ल करने के बाद या जूझ माजूज मा के फितने को ड्रेस करने के बाद वो चालीस साल अमन के गुजरेंगे हज़रत इस्लाम के नजूर के हवाले से भी वीडियोस अलग से रिकॉर्डेड हैं उसमें मैंने ये सारी अदीस बयान की हैं फिर वो चालीस साल जिंदगी गुजारने के बाद शादी भी करेंगे बच्चे भी उनके होंगे और अल्टीमेटली जब उनकी डेथ होगी तो नबीस्लाम की कब्र मुबारक के साथ उन्हें रोज़ा शरीफ में दफन किया जाएगा जाम हदीस मौजूद है बाकी सारी तफसलत अलमसदर अली हाकम के अंदर हैं बुखारी मुस्लिम में भी कई अदीस हैं हयात मसीह और नजूल मसीह इस्लाम मैंने कुरान और सई उस्नाद अदीस की रोशनी में डिस्कस किया हुआ है लेकिन अजरत ईसा इस्लाम की वफात के बाद दोबारा से फिर आहिस्ता आहस्त इस्लाम का जोर टूटता जाएगा कुफर का गलबा होता जाएगा अल्टीमेटली बिल्कुल जब क्यामत का वक्त करीब आएगा तो बड़े कम लोग हैं जो ईमान वाले रह जाएंगे वो सही मुस्लिम में आता है कि जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में मौजूद है क्यामत कायम नहीं होगी जब तक अल्लाह का मानने वाला कोई मौजूद है और फिर मुस्लिम शरीफ में है कि एक खुशबूदार हवा चलेगी लोगों की बगल के नीचे से गुजरेगी और अहल ईमान की रूह अल्लाह तला कब्ज़ कर लेगा फिर उसके बाद सिर्फ कुफर दुनिया में रह जाएंगे और क्यामत उनके ऊपर कायम होगी यानी अल्लाह ताला ईमान की इतनी कदर फरमाता है अल्लाह की गैरत ये गवारा नहीं करती कि इस प्लेनेट अर्थ पे एक बंदा भी ऐसा मौजूद हो जो अल्लाह को याद कर रहा हो उसके बावजूद क्यामत आ जाए ये अल्लाह के जिक्र की उस पर ईमान लाने की बरकत है बुखारी मुस्लिम अदीस है कि दुनिया में कई नए लोग हैं जिनकी वजह से बाकी दुनिया को अल्लाह तला रिस्क दे रहा है ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है यानी ये जो लोगों में मशहूर है ना कि जी बुजुर्गों के सदक़े की वजह से हमें वो जो है रिस्क मिलता है और ये सब कुछ लेके देते हैं खिलाते हैं खिलाते हैं वो बात अपनी असल में दुरुस्त है लेकिन वो इन मानों में नहीं कि वो अल्लाह से लेके देते हैं अल्लाह तला उनकी वजह से उनके वसीले से उनके जरिए से उन्हें खुश करने के लिए नहीं अल्लाह को वो इतने प्यारे हैं कि अल्लाह तला फरमाता है कि जब तक ये बंदे दुनिया में मौजूद हैं अहल ईमान मौजूद है तो ठीक है काफिर भी याशी कर लें दुनिया को मैं तबाह नहीं करूंगा ये इन मानों में था इन्होंने और चक्कर में वो चीजें डाल दी तो ये अल्टीमेटली इस्लाम ने सुपरसीड करना है नबील इस्लाम के मुबारक दौर में भी एक खास लेवल तक हुआ फिर खुलफा राशदीन ने उसे एपेक्स तक पहुंचाया रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ कादस्य और हिरमूख में अल्लाह तला ने फतूत दी मुसलमानों को और फिर वह इनकलाब थमा नहीं है यहां तक के जब कलोनियल पावर्स आई हैं और मुसलमानों की सारी हुकूमतें उन्होंने खत्म कर दी आठ से आलमोस्ट सौ साल पहले तक तो कोई इक्का दुक्का इस्लामी मुल्क रह गए थे ये तो आज हम सतावन अठावन इस्लामी मुल्क देख रहे हैं ना ये आजादी के बाद है लेकिन नबी इस्लाम का इनकलाब खत्म नहीं हुआ था उस वक्त भी लोग अल्लाह के मानने वाले थे अगरचे दुनिया में गलबा नहीं था रसूल्ला पर ईमान लाने वाले थे पांच वक्त नमाज़ पढ़ने वाले थे ये जो नबी इस्लाम ने इनकलाब बरपा किया है ना ये दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है अलहमद तो ये अल्लाह तला का वादा है कि उसने अपने रसूल को अलहदा यानी कुरान और दीन हक़ के साथ मबूस किया ताकि इसे तमाम अध्यान पर गालिब कर दे चाहे काफी लोग इसका बुरा मान जाए बहरअल फिर इन आयात को लोगों ने इस हवाले से भी यूज़ किया कि वो अपनी जी तंजीमों के लिए खिलाफत के एतबार से वो फिर दूसरी स्ट्रीम पर चले गए वो एक अलग से टॉपिक है अब उलमा कराम के फजाइल बयान होने लगे हैं यानी यहूदों ने सारा के जो उल्मा कराम थे और डिटो कापी आपको अपने भीमा में नजर आएगी अल्लाह के फजल से यह उम्मत पीछे नहीं है किसी सूरत भी बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है तुम में वही खराबियां पैदा होंगी तुम भी कदम बा कदम बालिश बार बालिश उसी रास्ते पे चल निकलोगे जिस पे अगले लोग चले हती कि उनमें से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ तुम भी वही काम करोगे सहाबा कर राम ने पूछा कि इससे मुराद क्या यहूदो नसार है कि हम उनके ट्रैक पर चल पड़ेंगे तो आपने फरमाया अगर वो लोग मुराद नहीं तो और कौन से और इसका शान इर्शाद मैंने बताया था जाम तिरमजी में कि गजवा हुनैन के मौका पर नबील इस्लाम एक जगह से गुजर रहे थे वहां एक दरख्त था जिसे ज़ाते अनवाद कहा जाता था वहां पर लोग मुशरकिन अरब अपना असला लटकाते थे और उनका ये अकीदा था कि इसकी बरकत से हमें जंग में फतह होगी तो चंद साहबा ने कहा यारसल्ला आप हमारे लिए भी एक दरफ्त मुकर जहाँ पर हम अपना असला लटकाएं और बरक़ात हासिल करें इस्लाम फरमाया सुबहानल्लाह आज तो तुमने वही बात कर दी ये महजूफ़ था हम माजशरीकून अल्लाह पाक है उस शर्क से जिसकी तरफ अब तुम्हारा ख्याल चला गया तुमने तो वही बात कर दी जो मूसा के मानने वालों ने की फिर नबी इस्लाम ने सूरत आराफ की आयत नंबर वन थर्टी एट की तलावत की कि जब मूसा अलीम अपने साथियों के साथ पैगम्बर मौजूद हैं एक जगह से गुजरे उन्होंने देखा कि बाज लोग बुतों पर ध्यान किए हुए इतकाफ़ किए हुए बैठे हैं तो उन्होंने कहा अय मूसा इस्लाम आप हमारे लिए भी अल्लाह का कोई बुत मुकर दें कि हम उस पर ध्यान करें देखें ध्यान वाला सिलसिला भी, भी आप हिंदुओं में देख लें वो कहते हैं हम भी उसी भगवान को मानते हैं वो एक है ये ध्यान करने के लिए हमने स्टैचू बनाए हुए हैं अगरचे उनकी किताबें भी कहती हैं कि गॉड का स्टेचू नहीं आप बना सकते तस्वीर नहीं बना सकते तो मूसा इस्लाम ने कहा था इस जाहिल कौम से मैं अल्लाह की बना में आता हूं तो नबीस्म ने फरमाया तुमने तो वही काम डाला है हालांकि सामक कराम ने किसी दरख्त की प्रस्तिश नहीं की सिर्फ एक मशुरा बरकत के लिए नबीस्लाम ने किधर जाके उसे जोड़ा है। और यह सराहतन शिरक और कुफर देखते हैं और कहते हैं जी ये तो आए जो है वो जी मुशर अरब के बारे में हमारे बारे में तो है ही नहीं है वहां किसी ने कहा यारसुल्ला हमने कौन सा दरख्त इबादत के लिए मांगा था हम तो बरकत की बात कर रहे थे आपने कहा की बात कहां जोड़ दी नबीसम तो इतने सेंसिटिव थे मुस्द आम नदीस है अल्लाह कबरी वसन बदला मेरी कबर को भी बुत ना बनने देना कि लोग इसकी इबादत शुरू कर दे अपनी कबर को बुत कह दिया हजूर ने कि अगर मेरी कबर को भी कोई सजदागा बनाता है गोया कि मुझे बुत बना लिया उसने अब ये होते तो कहते यहा आप तो अल्लाह के पैगम्बर हैं आप कहां से बुत हो गए ये तो बुतों वाली आयात आप अपने ऊपर क्यों लगा रहे हैं देखा ना ए जी कहानी करान देने ना ठीक है तो हालांकि वो बुतों वाली आयात नहीं है वो बुखारी में खबारिज काफरों वाली आयात मुसलमानों पर लगाते थे यानी साहब कराम मुसलमान थे और वो साहबा को काफिर कहते थे और माजरत के साथ इस वक्त मुसलमानों को काफिर यही लोग बना रहे हैं जब कह रहे हैं ये गुस्ताखे रसूल है तो काफी कह दिया ना जब कह दिया ये मुशरक है तो काफी नहीं कह दिया लेकिन ये कहने का एक महजब अंदाज है उसके लिए चंद एक मखसूस अल्फाज उन्होंने डिवाइज किए हुए हैं भाई गुस्ताखे रसूल का क्या मतलब है गुस्ताखे रसूल मुसलमान होता है तो सीधी तरह वो काफी हो लेकिन वो उनको पता यार ये कहेंगे तो हो सकता है कोई मुकदमा ना कायम कर दे झड़े बड़ो ना फिर कब तो इतनी जरूरत कोई नहीं करता लेकिन अंदर इनके अंदर वही अकायद नजरिया चल रहे होते हैं। अब यहां पर आपको उल्मा का वो जो करेक्टर है वो बिल्कुल खुल के सामने आएगा यानी वही खराबियां तो वहां पर ज़ाते अनवात वाली जगह पर नबी इस्लाम ने फरमाया तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे कदम बा कदम जो बुखारी मुस्लिम में जो अल्फाज थे उसका शान इर्शाद वह अनुवाद का दरख्त था लिहाजा पता चला ये जो हजूर ने कहना है कि यह ने सारा वाली खराबियां तुम्हारे में आएंगी इन खराबियों से मुराद पैंट शर्ट नहीं है हाँ, ब्रेलवी कहते हैं इससे मुराद पेंट शर्ट पहनना है वो फैशन करोगे हालांकि ये हदीस अकीदों के बारे में थी चूंकि माने में थे तो वो कैसे कह सकते थे कि हमारे खिलाफ है तो उन्होंने कहा नहीं जी वो तो इसमें तो तो वो तो हमने फिर बताया कि तिनमजी में इसका शान इर्शाद भी मौजूद है वैसे तो कहते नजूल दसो लो साम्बो शान हाँ, नजूल ए फिर शान इर्शाद तो उन्हीं खराबियों में से एक खराबी है हराम खोरी यानी उलमा का तुर इम्तियाज हराम खोरी न हक तरीके से माल हड़प करना हराम खोरी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कोई सूदी काम कर रहा है या हराम चीज बेच के कारोबार कर रहा है हराम खोरी से मुराद ये है कि लोगों को आखिरत की लालच दे के और उनका माल बटोरना पैसे लेके उनकी मर्जी के फतवे देना ये सारी चीजें हराम खो रही हैं लोडी सुनो फिर क्राइम के फजायल ये पढ़ते हुए ये ना समझिएगा कि ये यहूदों ने सारा के नबीम ने सुनवाया कि मेरी उम्मत भी पीछे कोई नहीं रहेगी इनसे बिल्कुल डी टो कापी कदम ब बा कदम बालिश बर बालिश सोड़ो जी फिर फजीलत यादीना आ मनो एहल ईमान इन कसर अहबार रुहबान बेशक अक्सर और सूफी और ये तर्जमा मैं इसलिए करूं ताकि आपको समझ आए वैसे अहबार वो उल्मा होते थे जो इल्म की गहराई को पहुंचे होते थे यानी फुका कराम फुका कराम उस्ताजुल और रुहबान जो राहब थे जोगी सूफी अक्सर जो है ना लाया अकुलू ना अकुल ना सिबिल बातिल वो जरूर खाते हैं लोगों का माल बातिल तरीके से अन और रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से कितनी हैरान कुन बात है पैसा खा रहे हैं अल्लाह का तारुफ करवाने का लेकिन अल्लाह का कह रहा है ये पैसे लेके मेरे नाम के ऊपर मेरे ही रास्ते से यानी वो जिस तरह आप फिल्मों में भी देखते हैं ना कि एंड में पता चलता है कि गेम किसने डाली हुई है वो हुकूमती कोई बड़ा ही जो है सबसे बड़ा मुजरिम निकला आता है जो कस्टोडियन बना हुआ होता है तो अल्लाह तारा ने देखे बता दिया कि कितनी यानी खिदमत कर रहे हैं दीन की और कस्टोडियन बने हुए हैं दीन के कि इनकी अक्सरियत जो है ना वो हराम तरीके से लोगों का माल खा रही है बातिल तरीके से और एंड रिजल्ट ये है कि मतलब उनकी दुनिया तो बर्बाद की है आखरत भी बर्बाद कर दी जब किसी का माल खा लिया तो उससे दुनिया ले ली उसकी और आखरत की लालच दी थी उल्टा वो आखरत से दूर कर दिया शैतान के रास्ते पे चला दिया वन सबी और रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और फिर अल्लाह तला ने इनकी मजीद जो खूबी है वह बयान फरमा दिए वह फिद्दा और जो लोग जहरा इससे मुराद यही है ये जो कस्टोडियन दीन के बने हुए हैं जोड़ते हैं सोना और चांदी वाला फेकून हा फी सबी और इसमें से फिर अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते यानी अगर हलाल भी स्पोज कमाया था किसी आलम दीन ने या सूफी ने तो जोड़ के रखा जक़ात नहीं दी तो उनके साथ क्या होने वाला है फ्बशर हम बे आजाबिन इन अलीम इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो यौमा युमा अलह फी नारी जहन्नम जिस दिन के इनका यह माल तपाया जाएगा दोजक की आग पे, यानी सोना गर्म किया जाएगा लिक्विड बन जाए चांदी इनकी गर्म की जाएगी लिक्विड बन जाए या लिक्विड ना भी बने उसको तपाया जाएगा जिस तरह वो दाग दिया जाता था ना जख्मों को तो अल्लाह तमारा क्यामत के दिन यही माल इनका दोजख की आग के ऊपर गर्म किया जाएगा फतुकवा बिहा जी फिर इनकी पेशानियां दागी जाएंगी गर्म करके ना वो जो इन्होंने माल जोड़ रखा है ना वो गर्म करके सोने और चांदी के सिक्के इनके माथों के ऊपर लगाए जाएंगे वह जुनूब और इनके पहलुओं के ऊपर वहूर हूं और उनकी पीठों के ऊपर हर मा कनज तुम भी अनफुसी कुम यह है जो तुमने अपने लिए जोड़ रखा था यानी असल में यह बताया जा रहा होगा कि ये जोड़ा था ना लो आप इस माल को कहो के आखरत किए अजाब से तुम्हें बचा ले कोई नहीं बचा सकता जो सूर्य इमरान में आया कि जमीन पूरी सोने की हो और वह पूरी की पूरी कोई फिदिये में भी दे दे ये नहीं है समझाने के लिए तब भी अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकेगा फजूकू माकुन तुम तक निजून तो चखो अब यह सजा उस जुर्म के बदले में जो तुमने दुनिया में कंस बनाया हुआ था माल जोड़ के रखा था कंस जो है ना कंस इस तरह का माल जोड़ना जिसमें आप जक़ात ना दें अल्लाह का हक ना दें ये उसके ऊपर आयात लगती है मुतलकन माल जोड़ना हराम नहीं है वो सही बुखारी में आता है कि हजरत अबू अबूजरगफारी और हजरत माविया का इन्हीं आयात की बुनियाद के ऊपर झगड़ा रहता था वो ये डिमांड करते थे कि ये जो तुमने महल्लात खड़े कर लिए हैं और इतना माल जोड़ा हुआ है ये तुम्हारी पीठों के ऊपर पेशानियों पर पे लगाया जाएगा वो आगे से आर्गूमेंट करते थे कि भाई अगर हम माल जो, जो जोड़ रहे हैं उसकी जिकात दे रहे हैं तो शरीय में तो हराम तो कोई नहीं है तो इन प्रिंसिपल तो हजरत अबूजर गिफारी के जो मुखालिफिन थे उनका मौकफ दुरुस्त था फतवे की रूह से लेकिन तकवे की रूह से देखा जाए तो असल बात जो हजरत अबूजर गफारी बताना चाहते थे कि भाई तुम तो रसुल्ला के मानने वाले हो अगर ये कोई इतना ही नेकी का काम था तो नबी इस्लाम ने क्यों नहीं कंस जोड़ा और उसकी जक़ात दी और सवाब कमाया आपको तो पूरी जिंदगी नौबत ही नहीं है जकत देने की आप तो अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे फिर वो बुखारी में जो अबूजर गफारी वाली हदीस वो तो खुद उन्होंने ही रिवायत की है ना कि अबूजर वो देख रहे हो पहाड़ बहुत साढ़े सात किलोमीटर पे फैला हुआ और अबूजर गफारी कहते हैं मैं दिल में सोच रहा था हजूर मुझे किसी काम से भेजेंगे तो मैं प्लानिंग करना शुरू हो गया कि मैं इस वक्त जाऊंगा और यूं वापस आऊंगा लेकिन आपने ये सारा सोने का हो ना तब भी मैं उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दूंगा सवाए के कुछ अपने पास दिनारों के नहीं रखूंगा सब दे दूंगा अब ये बातें चूंकि बुजुर्ग फारी ने सुनी हुई थी इस्लाम से तो वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि हुजूर के, के साथ ही जो है ना वो फतवों पर ना चले वो तकबे की रविश इख्तियार करे इस वजह से वो फिर कायल भी नहीं होते थे बाकी अगर आपने तसली करनी है तो अबू जर जरगफ़ारी वाला मेरा क्लिप देख लें उसमें मैंने काफ़ी सारी बातें उनके हवाले से बयान की हैं कि उनका स्टांस बहुत हार्ड लाइनर थे बाकी हमारे उस्ताद ने एक बात बड़ी अच्छी एक्सप्लोर की डॉक्टर इसरार साहब महुल्ला ने उन्होंने इन्हीं आयात के तहत आज के उन तमाम उलमा को शामिल किया है कि जिन्होंने अपना सोर्स ऑफ इनकम दीन बनाया हुआ है और फिर वो कम्स बना के रखे हुए हैं वो कहते हैं कि जो लोग दीन से खा रहे हैं ना वो सबसिस्टस लेवल पे खाएंगे जिसमें इस्लाम का भी अल्लाह तला ने बैतुल माल में खबूस की शक्ल में रख दिया था अयाशी नहीं सबसिस्टस लेवल के ऊपर सही बुखारी में आता है कि जब हजरत अबू बकर खलीफा बनाए गए तो वो सामान उठा के मार्केट में जाने लगे तो लोगों ने कहा हजरत अमूर खिलाफत कौन देखेगा उन्होंने कहा अगर मैं कारोबार नहीं करूंगा तो अपने बच्चों को कैसे पालूंगा वहां तो ये नहीं था कि ऊपर देखा तो सोना नीचे देखा तो सोना इसे काम कोई नहीं देते। बाद ए, सोना तो तो है तो फिर दरिया ने मशवरा करके उनका वजीफा मुकर किया और बुखारी के अल्फाज है कि अबू बकर खिलाफत के अमूर को देखेंगे और मुसलमान इनके घर वालों का खर्चा उठाएंगे यानी यहां पर प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ सदर अपने आप को मालिक समझता है वहां खलीफा राशिद को भी यह कहा जा रहा है कि इसकी रोटी पानी जो है ना हम पूरी करेंगे ये काम करें अपना तो ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में कॉन्सेप्ट है कि जो हुक्मरान है वो अवाम को जवाब दे अवाम ने हुमरान रखा हुआ है ना कि हुक्मरान ने अवाम पाले हुए हैं कि वो उसकी खिदमत करे ये बिल्कुल खुलवान के अंदर नजर आती थी ये चीज के जी अब बकर के घर वालों का खर्चा ये उठाएंगे और अजबकर खिलाफत के अमूर को देखेंगे तो इससे आप अंदाजा करें तो डॉक्टर सराज साहब फरमाते थे जो लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं ना फिर वो दीन की खिदमत के बस जो चंदा इकट्ठा करते हैं जो लोग इनकी खिदमत करते हैं कि जी ये लें अल्लाह के दीन के लिए अगर जरूरत पड़े तो आप इसे लगाएं तो वह अपने ऊपर फिर इतना ही लगा सकते हैं जिससे उनकी सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर लाइफ गुजरे मैं नहीं कहता कि वह फाके करें एटलीस्ट आज के दौर में पचास हजार से कम किसी भी इमाम मस्जिद की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए खतीब हजरात की एक लाख से कम नहीं होनी चाहिए लेकिन यह नहीं हो सकता कि मस्जिद के चंदे से वो इतना खाएं कि उन्होंने गाड़ियां भी अब रख ली हैं अपनी इतनी महंगी महंगी और हर वक्त उनके बच्चे भी एक एक नई नई गाड़ी निकलवा के फिरते रहते हैं और दिन को जीरो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिसके नाम का खा रहे हैं और उसी मदरसे में बच्चे जो है बीमार हैं उनको दवाई लेके देने वाला कोई नहीं है उनके कपड़ों और उनकी ज्योतियों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है तो बड़ा जुल्म है ना जिन बच्चों के नाम पे खा रहे हो उनके ऊपर भी तो कुछ लगाओ उन पर कुछ भी नहीं लगा रहे सब कुछ अपने ऊपर तो ये वो लोग हैं जिनके साथ वही मामला होना है कि इनकी पीठों पर इनके पहलुओं पर इनके माथों के ऊपर यह दौलत गर्म करके इन्हें दागा जाएगा कि ये लो ये माल दुनिया में जोड़ा था ना अभी आजाद तो ये लोग पढ़ते हैं लेकिन वही ना बुल्ले शाह सा मरना ना ही गौर पे आ कोई और वो कहते हैं साढ़े बारे ते ही नहीं है तो गुजर गए लोग जड़े सन उनके बारे में है तो कुरान यानी तुम भी एथियस्ट वाली बातें कर रहे हो कि ये चौदह सौ साल पुराने लोगों के लिए किताब है क्या मु तक के लिए किताब है जिसे फिट उसे गिफ्ट मॉर लाज तो कभी भी पुराने नहीं होते वो मोहकम है अल्लाह अल्ला के वो आर्ट भी उसी तरीके से वैलिड है जिस तरह के हजरत आदम के जमाने से लेके अभी तक मॉरल लाज मॉरल लाज क्या है झूठ नहीं बोलना किसी के साथ धोखा दही नहीं करनी मां बाप के साथ उसने सलूक करना है बी बच्चों का ख्याल रखना है किसी को धोखा नहीं देना ये वो सारे मॉरल वैल्यूज इस्लाम में आती है दीन के अंदर आती है तो ये जो माल जोड़ रहे जहर माल वो उन्होंने लोगों से ही लेके जोड़ा हुआ है ना तो ये उलमा के बारे में है उलमा सू के बारे में तो उनके ऊपर आर्ट भी वैलिड है वो आर्ट भी उसी तरीके से माल जोड़ रहे हैं और अपने ऊपर लगा रहे हैं बजाय उस माल को दीन की तरवीज के लिए खर्च करें वो अपने खजाने बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं और इसीलिए आप देखें कि जब ये मरते हैं तो कितना बैंक बैलेंस छोड़ के मरते हैं ये कितनी जिदादें बनी भी होती हैं और डिक्लेयर्ड तनख्वाह इनकी जो होती है ना वो पूरी जिंदगी की भी जोड़ी जाए ना तब भी एक प्लाट क्या कब्र की जगह भी नहीं खरीद सकते हैं। जिन जगहों पर इनके प्लाट होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि मतलब वो कोई जो उनको तनख्वाह मिलती थी वो रिप्रोडक्शन का सिलसिला उसमें शुरू हुआ था जहर है डायरेक्ट इन्होंने चंदा अपने कब्जे में किया होता है अपने ऊपर लगा रहे होते अब आयत नंबर थर्टी सिक्स सूर्य तोबा की यह भी एक क्रिटिकल आयत है बारह महीनों के हवाले से और जो हरमत वाले चार महीने हैं, उनका भी जिक्र है और जो मुशरकिन अरब ने अपनी खुद साख्ता शरीय के अंदर जंगों को हलाल करने के लिए हरमत के महीनों को आगे पीछे कर देते थे उनकी भी टूटी फूटी शरीयत के अंदर चार हरमत वाले महीने थे जिनमें जंग करना मना था लेकिन जब उनका दिल करता था उन महीनों में जंग करने तो कहते थे ठीक है जी इस दफा जो मुहर्रम का महीना है ना वो रमजान की जगह पर हम शिफ्ट करते हैं अब यह तो नहीं हो सकता मुहर्रम के महीने को आप रमजान में शिफ्ट कर दें तो यू वो महीनों को आगे पीछे करते रहते थे उसका जिक्रे आ रहा है अल्लाह ने कहा के नजदीक इशू है इस हवाले से हुरमत वाले जो महीने वो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि हुरमत वाले महीने चार है तीन कंजेक्टिव है जिकादा जुल्हिजा और मुहर्रम और चौथा रजब नबीर इस्लाम ने जो अपने आखिरी खुतबात में से खुतबा है ना जो हजतुल के मौका पर एक आपने खुतबा दिया था मैदान अरफ़ात में और उससे अगले दिन दसिजा योम नहर कुर्बानी के दिन मिना में एक खुतबा आपने दिया था वो खुतबा बुखारी मुस्लिम दोनों में आया जिसमें नबी रस्तनाम ने पूछा था कि बताओ आज कौन सा दिन है ये कौन सा महीना है ये कौन सा शहर है और साहबा के खामोश रहे और उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं और साहबा कहते हैं हम इसलिए कह रहे थे कि हमें ये घुमान हुआ कि शायद इस्लाम आज के दिन महीने और इस जगह का नाम ना बदल दें कहीं इसलिए हमने कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं तो फिर आपने फरमाया क्या ये जुल्हिजा का हरमत वाला महीना नहीं है क्या ये शहर मक्का हरमत वाला शहर नहीं है और आज का ये दिन योम नाहरदस जुलहिजा का दिन ये बाबरकत दिन अल्लाह के नजदीक हरमत वाला दिन नहीं है सामने कहा भला अरसुल्ला फिर नबी डरमाया कि जिस तरह इस शहर मक्का इस महीने और आज के दिन की हरमत है ना इसी तरीके से एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू हराम है यानी जिस तरह हकूकुल्लाह के अतबार से तुम सेंसटिव हो ना अल्लाह के नजदीक यह भी जुर्म है कि तुम किसी के साथ ज्यादा करो जान माल इज्जत आबरू के अतबार से जिस तरह के कोई शख्स मक्के की उर्मत पमाल नहीं करता इस महीने की उर्मत को पामाल नहीं करता इस दिन की हरमत का ख्याल रखता है, इसी तरीके से हुकूल बात का भी ख्याल करें उसमें यह भी अल्फाज है कि जमाना घूम घुमा के फिर उसी जगह पर वापस आ गया जहां अल्लाह तला ने इसको पैदा फरमाया था कि साल के बारह महीने हैं उनमें से चार हरबत वाले हैं तीन कॉन्जेक्टिव ज़िकादा जुल्हिजा और मुहर्रम और चौथा जो है वो रजब का महीना वहां पर आप्लाम ने यह फरमाया था और महीनों के नाम भी बता दिए फिर आपने उसमें यह भी फरमाया क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया सब ने कहा बला अरसुल्लाह पहुंचा दिया आपने बल्कि आपने हक अदा किया फिर नबीस्म ने तीन दफ़ा आसमान की तरफ उंगली करके साहबा की तरफ की अल्लाशहद अल्लाशहद अल्लाह गवाह रहना गवाह रहना गवा रहना और फिर आपने फरमाया अब जो लोग यहां मौजूद नहीं उन तक मेरा ये पैगाम पहुँचा दें वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और बसाओकात जिसे बात पहुँचाई जा रही होती है वो ज़्यादा याद रखने वाला होता है बनस्बत उसके कि जो पहुँचा रहा होता है ज़ाहिर है उसे फिर ज़्यादा कदर होती है और फिर देख लें अल्लाह ने जिन लोगों से दीन का बड़े लेवल पर काम लिया वो सारे अजमी थे इमाम बुखारी होंम मुस्लिम होंम उद इमाम, इमाम तिरमजी ये सब अजमी हैं जिनसे इतने बड़े लेवल का अल्लाह तारा ने काम लिया हदीसें इन्होंने महफूज की इस्लाम की सुन्नत को महफूज किया इस हवाले से तो वहां पर भी इस्लाम ने कहा कि वो बारह महीने और वह के आगे पीछे करते रहते थे वो इतनी दफा आगे पीछे हुए कि ऑटोमेटिकली इस्लाम की बेसत की बरकत से जिस साल हुजूर ने हाज किया ना वो आइट्रेशन परफॉर्म हो हो के ओरिजिनल जगह पे वापस आ गई हुई थी तो वहां आपने फिर फिक्स कर दिया फिर उसके बाद कोई उसमें किसी ने तब्दीली नहीं की आज तक माशाला उसी तरीके से मामला चल रहे तशहूर आशा शाहर फी किताब बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती बारह है अल्लाह तला की किताब में लोए महफूज में अल्लाह तला के बनाए हुए डिवाइन प्लान के अंदर यूमा खल अर्द जब से अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है महीने बारह और ये देखें बारह महीने ऑलमोस्ट सारे कैलेंडर्स में चल रहे हैं चाहे लूनर हो सोलर हो इसके अलावा भी जो हैं उनके अंदर मिनह अरबर उनमें से चार हुरमत वाले हैं जो मैंने बताया बुखारी मुस्लिम में आ गया चार महीने जिकादा जुलहिज्जा और मुहर्रम और उसके बाद फिर बाद में रजब ये तीन कॉन्जेक्टिव है एक अलग से क्यम ये है अल्लाह तला का कायम करदा दीन ये अल्लाह तला की शरीय है फला तो ना करना इन महीनों में अपने आप पर यानी शरीय ने जो पाबंदियां इन महीनों में लगाई हैं उसे आपने वायलेट नहीं करना सबसे बड़ी पाबंदी यह थी कि आपने इन महीनों में जंग नहीं करनी इवन जंगे से फीन रोक दी गई थी हरमत वाले महीने की वजह से अब तो वैसे कोई ख्याल ही नहीं होता इन कहीं इस्लामी हुकूमतों को ख्याल ही नहीं होता कि ये जो अपनी जंगें या ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं ये हरमत वाले महीनों में है भी है या नहीं इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता उसमें एक प्ली मिल जाती है जो साथ ही जिक्र आ रहा है कि अगर काफिर या इस्लाम के दुश्मन आपके ऊपर जंग मुसलत कर दें हुरमत वाले महीने में तो फिर आपने ये नहीं कहना कि इस महीने में हम नहीं लड़ते लिहाजा हमें मार दो नहीं फिर आपने लड़ाई करनी है उसका व बाल उन काफरों पर होगा उन बागियों पर होगा वमुरक न काफ़ा और जंग करो मुशरकिन के साथ पूरे जोर के साथ कमा काफ़ा। जिस तरह के वो सब के सब तुम्हारे साथ जंग पर हम होते हैं तुम भी पूरी अपनी तसली करो वमू और जान लो अन्लामुत बेशक अल्लाह तला तकवा की रविश इख्तियार करने वालों के साथ है जो अल्लाह ताला की शरीयत की पाबंदी करने वाले लोग हैं उनके साथ है अल्लाह ताला, जो अल्लाह से डरने वाले इन नमन नसीदत फिलकुफर हरमत वाले महीनों को हटा देते हैं और इजाफा करना है कुफर में जियादतुल फिलकुफर यु बल्लु बिहिल का फरु और इसके जरिए गुमराह किए जाते हैं वो लोग जो काफिर हैं वो जो मैंने बताया ये, ये महीनों की गिनती आगे पीछे करते थे वो साथ आ भी जाएगा आमा। हलाल कर देते हैं एक महीने को एक साल और हराम कर देते हैं उसको दूसरे साल वो क्यों करते हैं गिनती पूरी करने के लिए ली हर्रम्ह ता ताकि वह गिनती पूरी कर दें हुरमतत के महीनों की जो अल के हां है वो चारिनती वो साल में यानी उन्होंने चार महीने पूरे कर देने किसी तरीके से वो चाहे अल्लाह के बताए हुए महीने थे या नहीं थे उन्होंने कहा जी चार की गिनती हम पूरी कर देंगे इस तरह आरास्ता कर दिए गए इनके लिए इनके बुरे आमाल वह दिल कौमल आफरीन और अल्लाह ताला कुफर इख्तियार करने वालों को जो जानबूझ के कुफर इख्तियार करते हैं उन्हें कभी हदायत नहीं देता यानी ये हदायत जबरदस्ती नहीं होगी कोशिश करने वालों के लिए होगी और जो आंखें बंद करके लेटे हुए हैं उन्हें कभी अल्लाह ताला जगाएगा नहीं हाँ जो सोए हुए हैं उन्हें जगाया जाएगा अगर उठना चाहें तो उठ जाएं और जो उठने के लिए तैयार नहीं है वो जो मर्जी हो जाए वक्त का पैगम्बर भी मौजूद हो अल्लाह की वही भी नाजिल हो रही हो तब भी हदायत कबूल नहीं करेंगे उसकी वाज मिसाल अबू जहल है अबू लहब है अबू लाब तो हाशमी था नबी इस्स्म के ख़ानदान से था लेकिन देख लें टस से मस नहीं हुआ हालांकि नबीस्म का पूरा करैक्टर बचपन से ले कर तक उनके सामने था उसके बावजूद उन्होंने हक़ को कबूल नहीं किया और जिनकी किस्मत में हक हाँ था वो सलमान फारसी जैसे लोग कहां से चले सलमान फारसी फारस से चले और मक्के तक पहुंच के नबील इस्लाम पर ईमान ले आए जो कोशिश करने वाले हैं वोना जाहदुफीना जो लोग भी हमारी राह में कोशिश करेंगे हदायत की राहें खुल जाएंगी ऐसी राहें खुलेंगी कि कहीं ना कहीं से वो खुद ब खुद हाकबाद तक पहुंचेंगे और जो कुफर रबीश इख्तियार करने वाले जानबूझ के उनको अल्लाह तला हतायत नहीं देंगे अब मेरे भाइयों जी जो आयत नंबर थर्टी एट से ऑनवर्ड मुसलसल ऑलमोस्ट नब्बे के करीब आयात गजब तबू के हवाले से हैं। जो मैंने सूर्य तोबा के स्टार्ट में गजब तबू का तारुफ करवा दिया बार बार उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है और उस वक्त जो हालात वाक़ चल रहे थे कमज़ोर ईमान वाले मुनाफिकीन अहल ईमान इन सब की रविश क्या थी वो आपको मुकम्मल इसके अंदर नजर आएगी और आपको ये भी नज़र आएगा कि उस ज़माने में भी सब लोग एक तरह के नहीं थे मजबूत ईमान वाले भी थे कमज़ोर ईमान वाले भी थे और इस्लाम के नाम पर मुनाफिक भी उस दावत हक़ के अंदर दाखिल हुए हुए थे जो कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले थे या अयुल आ मनु ए वो लोगो जो ईमान लाए हो मालकुम क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हे इदाक़ी फेरूफी कि जब तुमसे कहा जाता है कि निकलो अल्लाह के रास्ते में अच्छा अब ये बड़ी सख्त आयात आ रही है लेकिन ये याद रखिएगा ये सख्त आयात ईमान मोमिन के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए जिन्होंने इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ था नारा लगाने में सबसे आगे थे लेकिन उनके अकीदे गुमराही के ऊपर मबनी थे या इससे मुराद वो लोग हो सकते हैं जो है तो मुमिन थे लेकिन कमजोरी ईमान का शिकार थे, जरूरी नहीं मुनाफिक हों कमजोरी ईमान का शिकार भी हो सकते हैं जो कामिल जो ईमान मोमिन थे उनकी हालत तो यह थी कि बुखारी मुस्लिम में आता है कि हजरत अली को और नबी इस्लाम ने तबूक के मौका पर मदीना शरीफ औरतों और बच्चों के ऊपर छोड़ा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया यारसल्ला मैं आपके साथ जाऊँगा हालांकि इतनी मुश्किल जंग सात किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से टकराना और वो ऊंटों पे या पैदल सफर करना है लेकिन एल ईमान तो जन्नत की तलाश में होते थे तो इस्लाम ने फरमाया क्या तुम इस बात पे राजी नहीं कि तुम्हारी मेरे साथ वही नस्बत है जो हारून की मूसा के साथ मगर मेरे बात कोई नबी नहीं यानी मूसा इस्लाम जैसा कि कोई तूर पर गए तो हारून इस्लाम को छोड़ के मैं तुम्हें औरतों और बच्चों के ऊपर अपने नायब की हैसियत से यहां पर छोड़ के जा रहा हूँ मदीना शरीफ में तो एलिमान भी थे फी सबीर तुम इल अर्द जब तुम्हें कहा जाता है ना कि अल्लाह की राह में निकलो तो जमीन के साथ झुक जाते हो यानी गोया के जमीन ने तुम्हारे पाओ पकड़ लिए हैं बोझल हो गए हैं मन मन के पाओ हो गए हैं अब निकलना पड़ रहा है ना तो जान भी जा सकती है इस डर की वजह से तुम जिहाद में निकलने को उससे कन्नी कतरा रहे हो और तुम बिलहत दुनिया मिनल आखिर क्या तुमने दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया है आखिरत के मुकाबले में यानी दीन में जो ढीला होता है ना उसकी असर वजह यही होती है कि वो दुनिया की जिंदगी की मनफे चाह रहा होता है अगर वाकई वो आखिरत चाहने वाला हो ना तो उतनी एफर्ट पुट करे जितनी दुनिया के लिए करता है जबकि यह मान भी रहा हो कि आखिरत वलल आखिरत खैरू व अब का आखिरत बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली भी है तो फिर तो उसे दुनिया को लाइबिलिटी समझना चाहिए आखिरत एसेट होना चाहिए फमा मताउल उल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील तो ये कान खोल के बात सुन लो कि दुनिया के जो बरतने का सामान है वो आखिरत के मुकाबले में तो बहुत कलील है और इसको तो सलाम ने मिसाल से बयान फरमाया सही मुस्लिम की हदीस है दुनिया और आखरत की मिसाल ऐसी है जैसा कि कोई शख्स समुंदर में उंगली डुबोए उसके साथ जितना पानी लगता है ना ये दुनिया की जिंदगी और समुंदर इनफिनिटी की आखरत की जिंदगी है तो तो उसके मुकाबले में शाही कोई नहीं तम फिर कुम आजा अलीमा देखो अगर तुम नहीं निकलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा दुनिया में भी दे सकता है दुनिया में ना भी मिला आखिरत में तो मिलना ही मिलना विल कौमन गई रकुम और तुम्हारी जगह और कौम ले आएगा तुम्हें बदल देगा एक और कौम से वाला गुरूह शै और तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह का जहर अल्लाह का कौन बिगाड़ सकता है सूर्य मोहम्मद में तो यहां तक आया कि अल्लाह ताला फिर तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को ले आएगा जो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे वो कमिटेड होंगे अल्लाह के साथ तो देखें किसी दर्जे में तो हो गया कादसिया और यरमूक जो बड़ी जंगें थी उनमें अक्सरियत तो ताबीन की थी ना साब इक्राम तो तादाद में कंपैरेटिवली कम थे ज्यादातर लोग तो वो थे जो नबी इलास्म के बाद ईमान में दाखिल हुए या हजूर के ज़माने में हुए लेकिन नबी इस्लाम से मुलाकात उनकी नहीं हो सकी कबीले के सरदार तो मिलने आए और वापसी पर जाके उन्होंने अपने कबाइल को मुसलमान किया तो मजार्टी ने तो नबील इस्लाम को देखा भी नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने पूरे पैशन के साथ कुर्बानी की वल्ल कुल्ली शहीन कदीर और अल्लाह तला हर चीज़ के ऊपर कादिर है तसरू देखो अगर तुम रसुल्ला की इस काज में मदद नहीं करोगे ना दीन के मामले में तो कोई मसला नहीं फ़कद न तो बेशक अल्लाह ने तो खुद मदद फरमाई थी अपने नबी की अल्लाह ही काफी है अपने नबी के लिए इज आजादी का जब जबकि काफरों ने उन्हें निकलने पे मजबूर कर दिया था मक्के से अब ये हिजरत मदीना की तरफ इशारा है जब नबीस्म रात के वक्त वहां से निकले और अल्लाह ताला ने गैबी मदद नबी इस्लाम के साथ की वो काफिर जो है वो घर के बाहर पैर ही देते रहे उन पर ऐसी कोई नींद तारी हुई कि इस्लाम उन्हीं में से निकल गए फिर सौ ऊंटों का इनाम भी रखा गया और सराका इबन मालिक वो आपको पता पहुंच भी गए थे नबील इस्लाम तक फिर उनके सही बुखारी में आता है उनके घोड़ा जो है वह जमीन में धसना शुरू हो गया तो फिर उन्होंने कहा मैं अब आप, आपका किसी को नहीं बताऊंगा नबी नबीसलाम ने दुआ की तो अब ये अल्लाह तला की गैबी मदद थी और फिर गजब गे जो सौर के अंदर नबी सल्हही वसल्लम ने हज़रत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह साथ चंद दिन जो गुजारे काफिर वहां तक पहुंच चुके थे लेकिन अल्लाह तला ने गैबी मदद फरमाई बुखारी मुस्लिम में मौजूद है हजरत अबू बकर ने कहा यारसुल्ला अगर ये अपने पाओं की सीत में देखे तो हमें ये देख लेंगे यानी वो उनके पाओ गार के बाहर नजर आ रहे थे अंदर वालों को यानी वो अगर यूं करके अपने पाओं की सीर में देखे तो हमें देख लेंगे लेकिन नबी नबीस्लाम के ईमान का लेवल क्या है नबीस्म ने फरमाया कि ए अबू बकर तुम्हारा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिसके साथ तीसरा अल्लाह हो हमारे साथ है तो वो जो हिजरत मदीना है तो उसमें गार सौर के अंदर जो स्पेसिफिकली मदद फरमाई अल्लाह तला ने अपने पैगंबर की अलैहि सल सल्ला उसका जिक्र यहां पे आ रहा है कि अगर तुम नबी का साथ नहीं दोगे ना तो अल्लाह तला मुठजाना तौर पे भी अपने नबी को फतह तो दे सकता है और वो वक्त याद करो जब अल्लाह के नबीस्म मक्के से निकल रहे थे मक्के वालों ने उन्हें निकाल दिया इज रजहीन कफरु काफिरों ने मजबूर किया कि वो निकल जाए वहां से सानियस नईन आप दूसरे थे दो में से यानी इस्लाम थे और एक और शख्स हजरत बकर का नाम नहीं आया नाम बुखारी मुस्लिम में आया इवन शिया की जो अपनी तफासिर है उनमें भी मौजूद है कि हजरत बकर थे ये दूसरे आज भी जो सद फरमानी शाह साहब का तर्जमा छपा हुआ उसके हाशिए में आप इन आयात पर जाएं तो उन्होंने लिखा है कि यहां दूसरे से मुराद हजरत थे तुन इज हम फिल गार। जब वो दोनों गार में थे जबकि वो नबी फरमा रहे थे अपने साथी से ला तसन मत गम करो इन माना बेशक अल्लाह हमारे साथ है आप जरा नबी का कॉन्फिडेंस लेवल देखें जी यानी ये नबी के लेवल का ईमान किसी का नहीं हो सकता बिल्कुल दुश्मन को सामने देख के भी चूंकि अल्लाह ने वादा किया है कि आप के जरिए गलबा होना है आपको अल्लाह ताला बचाएगा उनका दिल ईमान के ऊपर थका हुआ है अल्लाह के वादों के ऊपर हजरत बकर का भी कोई ईमान छोटे लेवल का तो नहीं था लेकिन बहरहाल देख लें इधर तजल तो हुए हैं वो तभी तो हजूर ने तसली दी है और बुखारी में तो आगे अल्फाज हैं कि तुम्हारा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है फल्लाकीनत आलई तो अल्लाह तला ने अपनी तस्किन सकीनत नाजिल फरमाई उन पर वह अयदहू बिजनूदरा और मदद फरमाई ऐसे लश्करों से जो नजर नहीं आते थे जा कलीमत कफर और अल्लाह ताला ने काफरों की बात को सर निगो कर दिया जलील कर दिया उनके इरादों को उनके जो दावे थे उनकी बातें वो अल्लाह ताला ने मलिया मेट करके रख दी वह कलीमत ही और अल्लाह ही की बात को हमेशा सर बुलंद रहना है अल्लाह ही की बात बुलंद हुई फिर वल्लाहु अजीजुन हकीम अल्लाह ताला गालिब है हिकमत वाला है गालिब इतना है कि नबी का साथ कोई ना भी इवन खुद नबी भी ना हो तब भी अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब कर सकता है लेकिन हिकमत यह है कि वो चाहता है कि अपने बंदों के जरिए दीन का काम ले दीन का गलबा करवाए यानी ये जो हिकमत है ना हकमत वाली खूबी और अल्लाह का अजीज होना ये बैलेंस है अजीज गालिब यानी गिब इतना जो चाहे कर सकता है लेकिन इसके बावजूद कुछ होता हुआ जब नजर नहीं आ रहा आपको तो उसके पीछे अल्लाह की हिकमत है हिकमत यह है कि उसने अपना तारुफ पैगम्बरों के जरिए करवाया अहले ईमान की ड्यूटी लगाई कि उन्होंने दीन का काम करना है वरना अल्लाह मोहताज नहीं था यह अल्लाह का डिवाइन प्लान है जिस तरह अल्लाह तला ने इंसान की पैदाइश का जरिया मां बाप को बनाया अल्लाह के लिए को मुश्किल था माँ बाप के बगैर भी औलाद पैदा हो सकती थी बने बनाए नौजवान बच्चे आसमान से गिराए जा सकते थे लेकिन ये अल्लाह तला तो का डिवाइन प्लान है तो यहां पर भी अल्लाह तबारक गालिब है हिकमत वाला है। खिफाफाला जिहाद के लिए अब निकलो हर हाल में चाहे हल्के हो या बोझल हो ये तो अब जिहाद तुम्हें करना है अच्छा ये नफीर आम नबील इस्लाम के जमाने में कोई अगर किताल है ना जिसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ये फतवा आ गया कि जो ये किताल में शामिल नहीं होगा वो काफिर और मुनाफिक डिक्लेयर हो जाएगा वो गजब तबूक था इससे पहले जितने गजबात हुए ना गजब बदर ओहद उसमें नफीरे आम नहीं थी जो शरीक होना चाहता था होले जो नहीं होना चाहता था ना हो इसलिए वहां आपको ये सारी चीजें नजर नहीं आएंगी गजब तबूक के अंदर फिर चूंकि मैन पावर बहुत ज्यादा थी वहां डेढ़ लाख की फौज तो यहां मुश्किल तीस हजार का लश्कर नबी इस्लाम का तैयार हुआ और वो भी उस लेवल का नहीं था वो सदियों की सुपर पावर उनके पास सारे रिसोर्सेस उनकी रिजर्व आर्मीज ही कितनी थी अरब के बार्डर के ऊपर आके वो ललकार रहे थे क्योंकि इससे पहले वो गजबे मूता हो चुका हुआ था खालिद इबन वलीद वाला जो नबील इस्लाम के एक कासिद को कत्ल कर दिया गया था उसकी वजह से नबी इस्लाम ने फिर भेजा था जैद इबन हारसा को और अब्दुल्ला बिन रवाहा भी उसमें शहीद हुए हज़रत जैद भी शहीद हो गए हज़रत जाफर जाफ़रत हज़रत अली के भाई भी शहीद हुए और फिर खालिद अबिन वलीद वो फौज बचा के लाए अब ज़ाहिर है वो अभी मिशन मुकम्मल नहीं हुआ था इसलिए फिर नबी इस्लाम ख़ुद तशरीफ़ ले गए गजब तबू के मौका पर वो जंग बरल हुई नहीं है जब हजूर पहुँचे तो वो पहले ही भाग गया अब ज़ाहिर है जब इतना बड़ा एक बादशाह जिसकी इतनी फोर्स हो वो भाग जाए तो जिसकी वजह से वो भागा तो उसकी धाक तो बैठ गई फिर नबील इस्लाम चालीस दिन तक फिर अरब के बॉर्डर पर रहे हैं तबूक में और वहां जितने कबाइल थे उनके साथ मुआदे किए हजूर ने कुछ लोगों ने कहा हम आपका साथ देंगे और कुछ ने कहा हम न्यूट्रल रहेंगे ना आपका साथ ना उनका लेकिन आपके खिलाफ किसी का साथ नहीं देंगे क्योंकि उन्हें नजर आ गया था कि भाई ये कोई कोई और ही दावत खड़ी होने वाली है वरना मैं अक्सर कहता हूं कि जिरमूग की तो जरूरत ही नहीं पड़नी थी रोमन अंपायर के खिलाफ फैसला कुछ जंग तबू की हो जानी थी हजूर की मुबारक जिंदगी में ही यह गलबा हो जाना था वो तो उसकी अकलमंदी थी कि वह भाग गया लेकिन ये मंदी के साथ जाहिर है कि लोगों ने बुजदिल भी तो कहा ना कि जनाब पहले तो तू बड़ा ललकार रहा है तो हूं ना गए मैदान जंग में मुकाबला भी नहीं कर सका तो ये नफीर आम थी इसलिए कहा गया कि जो नहीं निकलेगा मुनाफी की डिक्लेयर होगा इला ये कि कोई मरीज है बीमार है बूढ़ा वो आगे आ जाएगा बहल अगर नहीं निकलोगे ना तमाम हालात तुम्हारे लिए फेवरेबल है उसके बावजूद नहीं निकल रहे हुक्म दिया जा रहा है कि निकलो हर हाल में अल्लाह की राह में हल्के हो या बोझल दिल के साथ व जा ही भी अमवाल और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने माल से व अनफुसिकुम और अपनी जानों से फी सबील अल्लाह की राह में यानी यहां पर ज़ायर किताल जिक्र हो रहा है कि माल भी अल्लाह के लिए और फिर जान भी देनी पड़ जाए तो नबीलाम के साथ तुमने जाना है ज़ालकुम खैरकुम यही तुम्हारे लिए बेहतर है कुन तुम तालमून अगर तुम जानते हो यानी अगर तुम्हें दुनिया की जिंदगी की हकीकत पता है और आखिरत की कामयाबियों का अंदाजा है ना तो फिर समझ लो कि जो इस जंग में मारा गया तो शहीद है तक क्या इंसान ने मरना ही है ना और इमाम हुसैन का कॉल मैं कहता हूँ जी कमाल है कि अगर जिंदगी का अंजाम मौत ही है तो शहादत से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता यानी यह तो फिक्स है ना कि इंसान ने इतनी जिंदगी गुजार के मरना है एयर क्रैश में मरना है हार्ट फेलियर से मरना है किडनी फेलियर से मरना है किसी लाइलाज बीमारी का शिकार होकर मरना है रोड एक्सीडेंट में मरना है किसी के हाथों कतल होना है तो जब दुनिया से एग्जिट लिखा हुआ है तो सबसे बेस्ट एग्जिट यह हो सकता है कि अल्लाह के रामे को मर जाए इससे बेहतर कोई एग्जिट नहीं हो सकता जब अंजाम मौत है तो शादा से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है लऊकान आर उदरीबा अगर कोई माल करीब होता कोई माठी सी कोई आर्मी होती उससे जंग करनी होती और माल गनीमत बहुत ज्यादा होता वह सफर और सफर आसान होता लत तो ए नबी ये तेरे पीछे पीछे चलते वलाकिम किम बदत अल ही लेकिन अब इन्हें मुसाफत बड़ी दूर लग रही है जाहिर है मुसाफत तो दूर है भी थी लेकिन इससे बड़ी तकलीफ उनके लिए थी कि ये सुपर पावर से टकराना है वसयाखलिफू ना बिल्ला और ये जरूर अन करीब खाएंगे अल्लाह की लाविस्तपाइना अगर हमारे अंदर कोई ताकत मौजूद होती कोई तैयारी होती हमारे पास भी अच्छे घोड़े होते माल होता तो तो कोई यार सुना मैं तो अगे अगे होना सी ये चंडा मैं ही चुकना सी लखरजना मकुम तो हम जरूर आपके साथ निकलते िकू नुसम अल्लाह ताला ने इस पे वर्डिक्ट दिया ये अपने आप को हलाक कर रहे हैं ये जो आके कसमें खा खा के झूठी जिहाद से भागने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपका क्या नुकसान कर रहे हैं अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं वाहू यादिबून या और अल्लाह ताला जानता है कि ये जरूर झूठ बोल रहे हैं लेकिन वही बात जो नबीसलाम के अंदर एक शफकत का पहलू था नरमी का पहलू था आपको आके कोई बहाना करता था कि यार सुल्ला मेरी बीवी बीमार है हजूर कहते है चलो ठीक है कोई कहता था मेरी सेहत ठीक नहीं है मुख्तलिफ बहाने आके लगाते थे इसमें तीन साहब का वाक्य भी है वो एंड पे आएगा उसी गठे सूर तोबा है ना, इसका नाम है उनकी तोबा कबूल हुई थी वो बुखारी मुस्लिम में बड़ा तफसीली अपने मालिक हाय 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 उनका वाक्य है वो इनशाला जब आएगा तो मैं बयान करूंगा बहार इस्लाम लोगों के बहाने भी कबूल कर रहे थे उन्हें जाने भी दे रहे थे अब वो अगली आयात इनशा अगली दफा कवर करेंगे कि अल्लाह तला ने फिर इस्लाम को कहा कि अल्लाह आपको मुआफ करे आप क्यों इनको जाने दे रहे हैं यानी पता तो हजूर को भी था हमें फेस रीडिंग से पता चल जाता है कौन बहाने कर रहे हैं और कौन फिर जिसका इतना एक्सपीरियंस हो दावत के हवाले से इतनी तकलीफ उसने उठाई हुई हो उसे नहीं पता चलता होगा कि बाने कर रहा है कहानियां करवा रहा है लेकिन आपकी शफकत थी और इसका भी जिक्र कुरान में फिर अल्लाह ताला आगे चल के करेगा कि मुनाफकी कहते हैं कि ये नबी तो निरा कान ही है यानी कान जैसे ना कान एक इंस्ट्रूमेंट है बात सुनता है कोई डिसीजन नहीं कर सकता जब तक अकल साथ ना हो तो कहते थे नाऊज नऊदबिल्ला नबील इस्लाम भी कान ही कान है बस बात सुनते हैं अपनी अकल को यूज़ नहीं करते कि हम इनके साथ झूठे बहाने कर रहे हैं और जो कहानी करा रहे हैं वो कहानी ले भी रहे हैं हमारी तो अल्लाह तला ने उसके ऊपर फिर वर्डिक दिया है कि नबी का कान होना तुम्हारे लिए रहमत है ठीक है अगर ये वाकई उस तरीके से तुम्हारे साथ जरा करनी शुरू कर दे तो फिर पता चल जाएगा ये नबी नबीसलाम की शफकत है अच्छा हज़ूर की शफकत इसलिए भी थी कि हज़ूर को पता था ठीक है ये नहीं भी चलेंगे अल्लाह मेरी मदद करेगा अपनी आखिरत पर बात कर रहे हैं ना मेरा क्या बिगाड़ते तो उसमें फिर वो तीन साहब भी थे जिन्होंने बहाना किया फिर वो रिकत अंगेज़ उनकी वो दास्तान है वो वश् जब आएगी तो बयान करेंगे अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही हमारे दिलों में रासिक फ़रमाए अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई अल्लाह ताला हमारे दिलों से महफ़ कर दे यानी धो दे और हमें माफ़ भी फरमा दे सुबह नकल बिहमदिकदद वतूबालाईक वमा आलैना